हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। इस वीडियो में मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताऊंगा, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं जिसे। तो उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको नए नए वीडियो अपलोड करके नए नए टॉपिक के बारे में और शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता सकूँ। और दोस्तों, तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में हमें ये जानना चाहिए कि निर्देशांक होते क्या हैं। तो निर्देशांक के बारे में, जैसे कि हम मान लें, जैसे कि कोई बिंदु है या मान ली एक रेखा है, इनके जो निर्देशांक, ये एक रेखा ए बी है, इसके हम लोगों ने 2.4 और इसके 3.2, ये जो हम लोग मानते हैं इसे ही निर्देशांक कहते हैं। जैसे कि कोई बिंदु के दो अंक हों, जब किसी बिंदु के दो दो अंक हो, जैसे कि ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, बिंदु मान लिया ए है, दो ए के बिंदु के दो अंक है, तो ये निर्देशांक हमारे हैं। या रेखा में जब दो बिंदु हो तो उसमें दो दो अंक मान लें, वो हमारे निर्देशांक कहलाते हैं। तो जो ये निर्देशांक आपको दिखा रहे हैं, तो सबसे पहले वाला जो हमारा ये निर्देशांक होता है भुज, और दूसरा वाला निर्देशांक जो होता है हमारा कोटि कहलाता है। तो आप निर्देशांक के बारे में जान गए होंगे, तो अब हम लोग चलते हैं कार्तीय तल के बारे में जानते हैं। कार्तीय तल होता क्या है? तो हमारा अगला है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है, इसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कार्तीय तल बन जाता है कि कार्तीय तल होता क्या है। तो कार्तीय तल को जानने के लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मान लो हम लोगों ने दो रेखाएँ मान ली, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, जो एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो वो हमारा कार्तीय तल कहलाता है। और जो दोनों के प्रतिच्छेद से जो बिंदु बनता है, उसे हम लोग 0.0 मूल बिंदु कहते हैं। ये हमेशा ही पक्का होता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं 0.0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ऊपर भी 0 जाएगा, तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमारा हमेशा 0.0 होते हैं। जो हमारा जो क्षैतिज अक्ष होता है, उसको हम लोग एक्स अक्ष मान लेते हैं, एक्स एक्स डैश, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसको बाई बाई डैश मानते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में मिल जाएगा, कि हमारे कार्तीय तल में कितने बिंदु खींचे जा सकते हैं, कितनी रेखाएं की जा सकती हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि इस वाले कार्तीय तल में, जैसे कि कार्तीय तल ये है, इससे अनंत रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग, कैसी भी हो, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज कैसी भी हो, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। और जो बिंदु कितने खींचे जा सकते हैं, तो अनंत बिंदु खींचे जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है हमारा कि कितनी रेखाएं और कितने बिंदु खींचे जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट, तो इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला आता है हमारा कि भुज क्या होता है। भुज आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो निर्देशांक मानते हैं उसमें पहला अक्षर जो होता है भुज होता है, अगला होता है कोटि। तो भुज के बारे में डिटेल में हम लोग जानते हैं कि भुज होता क्या है। हमारा आता है भुज, भुज क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले एक कार्तीय तल हम लोग बना लेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं से लंबवत, और इसमें ये मूल बिंदु है, इसमें हम लोग कुछ पॉइंट मान लेंगे 1, 2, 3, और इसके इधर वाले जो होते हैं हमारे हमेशा प्लस प्लस में होते हैं इधर, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कि प्लस प्लस कौन से होते हैं। इसका मान लिया -1, इसका मान लिया -2, इसका मान लिया -3, ये मान लिया हम लोगों ने सी बिंदु है, इसका मान लिया +1, इसका है +2, इसका है +3, इसको मान लिया ए। तो ए का भुज, तो बिंदु जो हमारा ए है, तो बिंदु ए का भुज क्या होगा? भुज उसे कहते हैं कि जैसे कि कार्तीय तल है, तो कार्तीय तल में जो एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष के बाएं या दाएं अक्ष पे जो बिंदु माने जाते हैं, उन्हें हम लोग भुज कहते हैं। तो बिंदु ए का भुज हो गया हमारा +3, ये हमारा भुज कहलाता है। अगला हमारा है कोटि। कोटि किसे कहते हैं, कोटि क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। हमारा है कोटि। कोटि क्या होता है, कोटि उसे कहते हैं, एक हम लोग कार्तीय तल बना लेंगे और उसमें बाई अक्ष पर ऊपर या नीचे ली गई जो दूरियां होती हैं लंबवत, उसको हम लोग कोटि कहते हैं। तो मान लिया इसका हमारा ए बिंदु है, तो ए बिंदु का हमारा कोटि क्या होगी, तो ए बिंदु का हमारा कोटि हो गई +3। या मान लिया कि कोटि क्या होती है, कि एक्स अक्ष से जो लंबवत दूरियां ऊपर तक की जाती हैं,
उसको हम लोग कोटि कहते हैं। इसी प्रकार हम लोगों को पीछे वाले में भुज का भी ऐसा ही हाल है। भुज में हमारा था ये एक्स अक्ष पर बायां दाएं, या हम लोग मान लेंगे बाई अक्ष पर ऊपर या नीचे, बाई अक्ष से जो लंबवत दूरियां होंगी उसको हम लोग भुज कहते हैं। तो हम लोगों का ये भुज कोटि समाप्त हुआ। अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर डिस्कस करते हैं। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो चतुर्थांशों में स्थित बिंदु निर्देशांकन चिन्ह है। तो हम लोग एक कार्तीय तल बना लेंगे और उसको चार भागों में डिवाइड कर देंगे। तो इधर वाला जो हमारा जो ज्योमेट्री में या कार्तीय तल में जो हमारा भाग होता है उधर इधर वाला प्लस प्लस होता है, और उसके बाएं तरफ जो होता है माइनस प्लस, इसके नीचे माइनस माइनस, और इसके इधर तरफ होता है प्लस माइनस। तो आपको ये चिन्ह हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे। इससे ही आप जो निर्देशांक निकालते हैं कार्तीय तल में पूरे, इससे ही निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे कि मान लिया कि बिंदु O पर एक बिंदु स्थित है, मान लिया A स्थित है, तो A से इधर वाली दूरियां जो होंगी वो प्लस प्लस, इधर वाली होंगे माइनस प्लस, और इधर से जो नीचे वाली होंगे इधर माइनस माइनस, इधर प्लस माइनस। तो अगला पॉइंट है हमारा किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। अगला दोस्तों हमारा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले हम एक कार्तीय तल बना लेंगे और इसमें कुछ पॉइंट मान लिए 1 2 3 ऊपर और नीचे माइनस, इधर माइनस इधर प्लस। तो इसमें निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जैसे कि यहाँ ये हम लोगों ने मान लिए हैं, तो निर्देशांक हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि निर्देशांक को हमेशा भुजों कोटि के रूप में लिखते हैं। तो हमने बताया था भुज को हमेशा एक्स अक्ष से बाएं या दाएं लिखते हैं और कोटि को ऊपर या नीचे लिखते हैं, या बाई अक्ष से लंबवत या एक्स अक्ष से लंबवत लिखते हैं। तो इसमें बी के निर्देशांक अगर हमें निकालने हो तो क्या करेंगे। तो इसमें भुज क्या है, भुज को हमेशा बाएं से दाएं लिखते थे, तो भुज ये हमारा 3 है, बी आ रहा है 3 के सामने, तो ये हमारा 3 निर्देशांक कामा, और कोटि क्या है ऊपर जाओ ये 2, तो 3 कामा 2 हमारा ये भुज कोटि हो गई बी के निर्देशांक। इसी प्रकार ए के निकालने तो क्या होगा, भुज को हमेशा बाएं या दाएं से लिखते हैं, तो भुज ये हमारा ए के निर्देशांक 2, ये भुज हो गया, और नीचे चलेंगे तो ये -2, ए के सामने -2 आ रहा, तो 2 कामा -2 ये हमारा हो गया निर्देशांक निकालना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं आपको नए नए वीडियो अपलोड करके और कुछ अच्छी बातें बता सकूं और जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो कुछ जो क्वेश्चन हैं कई प्रकार के उनको आपको बताऊँगा और अच्छे से करना बताऊँगा। उससे पहले आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय।